भारतीय कांग्रेस कमेटी की छात्र इकाई एनएसयूआई संगठन ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना व भूख हड़ताल की गई। छात्र नेताओं ने बताया कि कोरोना काल के चलते सभी कॉलेज व स्कूल बंद पड़े थे, जिसके कारण छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर पाए, परंतु स्कूल कॉलेज द्वारा ऑफलाइन परीक्षा करवाई जा रही है, जो छात्रों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पूरे वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही करवानी चाहिए। उन्होंने कहा अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह और ज्यादा संघर्ष करेंगे। छात्र नेताओं ने कहा कि कोरोना काल व किसान आंदोलन के चलते परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन ही की गई, इसलिए परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जानी चाहिए। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो आगामी दिनों में वह संघर्ष को तेज करेंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री आवास का घेराव व डीसी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि कई छात्र संगठन ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एनएसयूआई के छात्र इकाई द्वारा सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज में अनशन किया गया और ऑफलाइन परीक्षा ना करवाकर ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा नारेबाजी भी की गई। उनके एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफलाइन कंडक्ट करने का काम कर रही है, तो आर्टिकल 14 में हमें समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन जो कैंपस में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस खोले जाते हैं, उनको असमानता का अधिकार एक तरफ से महसूस हो रहा है। इसलिए आज हम 5 एनएचयूआई का 5 छात्रों का डेलीगेशन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बाकी सभी छात्र छात्राएं हमारे समर्थन में आज बैठे। आपका नाम? अमन पन्नू, जिला अध्यक्ष एनएचयूआई करनाल। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, असाइनमेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, क्विज ऑनलाइन हो रही है, कॉम्पिटिशन सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एग्जाम्स क्यों ऑफलाइन? एंड इवन जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कई बार नेटवर्क इश्यू होता है, कई बार कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, टीचर्स की आवाज़ कट कट के आती है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। एंड इवन सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हुई है, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आते थे, हम डाउट के लिए आते थे। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू, जैसे गांव के बच्चे होते थे जिन्हें नेटवर्क इशू का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स हमारे ब्लेंडेड मोड में ले लें, कि जिनको ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन दे दे, जिनको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे दे। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी तक ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है, तो देन व्हाई नॉट कुक यूनिवर्सिटी? कौन सा कॉलेज है? पंडित चिरंजी लाल। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीजी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लिए है और ले चुकी है, परंतु कॉलेजेस की एग्जाम ऑफलाइन बोल रही है, तो भेदभाव हुआ कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने एग्जाम तो ऑनलाइन ले लिए और यहाँ के, फिर ऊपर से किसान आंदोलन चल रहा है, चक्के जाम की भी स्थिति बढ़ सकती है। विद्यार्थियों ने पीजी नहीं लिए है कि पीजी में आकर उनके रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि उनको सेटलमेंट करने में भी टाइम लगता है। तो यही डिमांड है और यही सारी चीजें है कि भाई यूनिवर्सिटी भी अपने कैंपसेस को खोलने में एक दिन का 150 रुपए चार्ज लेती है और इसी प्रकार के अलग अलग चार्जेस है। अगर एग्जाम के टाइम खोला जाएगा, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, तो मेरे लिए कई बार व्यापार नहीं चलता, मजदूरी इतना पैसा नहीं होता, कितना कॉस्ट अफोर्ड कर सके हॉस्टल के लिए, पीजी के लिए? तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्र हितों में निर्णय लेना चाहिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती तो हम सीएम आवास का भी घेराव करेंगे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी घेराव करेंगे वाइस चांसलर का, और हो सका तो पूरे हरियाणा भर के विद्यार्थियों को करनाल में लेकर के आएंगे। और हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.